हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? मैं भोले बाबा से यही दुआ करती हूँ, हे भोले बाबा, सबको खुश रखना, आबाद रखना, मस्त रखना, व्यस्त रखना, जहाँ भी रहो। तो मैं आज आपको ना एक बहुत आप बताना कि मैं कहाँ आपको ले जा रही हूँ, और मैं थोड़ा सा एक छोटा सा गाना आपके साथ गाना कुछ याद आ रहा है मेरे को ना, भजन तो मैं सुनाऊं। उधर है नजारों का हो मैया, उधर है नजारों का। तो ये है जी मेरे मायके का। मैंने पहले एक मेरी वीडियो शायद आप कुछ देखी है ना, तो इसमें मैंने पुराना घर बताया था। तो अब यहाँ उसको गिरा के नया घर देखो बनने लगा हुआ है, और लेंटर आज पड़ता है। मैंने कुछ क्लिप लेंटर की आपके साथ शेयर करूँ मैं। तो ये देखो, ये रहा जी लेंटर का काम चला हुआ है, और सभी मतलब है तो लेबर काम करने वाले ना, पर फिर भी सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो देखो क्या टाइम था, पहले के समय में ना हाथों से मतलब काम किया करते थे, और मतलब लेंटर तक अपने आप डालते थे, मतलब बोरियो उठा उठा के सीमेंट की बोरिए, और अब तो मशीनी युग है। बंदा मूत रहा है पास, चला जा रहा है आगे। बंदे देखने जाइए आ रहे हो जा चोरी है हम ध्यान से आज मैं सो आज सो जा रही you
ਉਦਾਨੂ ਕਰੇ ਦੇ 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 ਸੁਣ ਜਾਏਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਬੁਆ ਸੋਤੇ ਨਾ ਪਾ ਯਾਰ ਬਸ ਬਸ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਣਨੀ ਭਾਈ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰੂਗਾ ਐਕਟਰ ਸੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ बुआ जी तो अब दूसरे दिन ना हाँ पता तो लगना चाहिए ये भी काम लेंटर पड़ा था ये कल लोग तेरे बच्चा बोलना भी पाई रखे था क्योंकि ये तो है कुछ काम नहीं किता था काम वाला ना पता तो लगना चाहिए क्योंकि काफी आदमी थे खाने वाले भी और लेबर थी तो अब हो रही है जी सफाई तो ये देखो आप ये बर्तन साफ कर रहे दूसरे दिन और सामान इकट्ठा कर रहे और देख दिखाइए शायद आज भी लेबर आए या ना आए क्योंकि कुछ काम होता है ना जो लेबर वालों को आज करने पड़ता है तो अभी तक तो पहुंची नहीं है तो मैं मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बताना कि आपको मेरा व्यूज़ जो मैंने बताया कैसा लगा और मेरे यहाँ का तो आप व्यू कई बार देखते हैं मगर मैंने थोड़ा थोड़ा व्यू कैप्चर करने का अपने माइके का भी कैप्चर किया तो उसको भी आप बताना तो ये देखो यहाँ लेंटर पड़ा था और ये थी यहाँ पुरानी पशुशाला हमारी वहाँ सामान रखा हुआ है।